दोस्तों सीएससी आईडी को लेकर एक कमेंट किया है रिंकू भाई ने। ये लिखते हैं, सर सीएससी साइट लेने के लिए कितनी फीस लगेगी, यानी कि सीएससी आईडी लेने के लिए टोटल खर्चा कितना होगा, कितने पैसा लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको बता दूं मैं कि सीएससी आईडी अप्लाई करने से पहले आपके पास सबसे पहले टीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे यहाँ पर और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सी एस सी वी एल ई सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले टी ई सी का सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ता है। ठीक है, तो टी ई सी का सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब आप टी ई सी का एग्ज़ाम पास करते हो, और एग्ज़ाम की जो फीस है वो है 1479 रुपये। तो 1479 रुपये आपके हो गए टी ई सी सर्टिफिकेट के। और टी ई सी सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको सी एस सी आई डी के लिए अप्लाई करना होता है, वहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि सी एस सी आई डी लेने के लिए आपको सिर्फ 1479 रुपये ही खर्च करने हैं, इसके अलावा आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। फीस लगेगी वो आपकी सिर्फ टी सी का सर्टिफिकेट लेने में ही लगेगी, और वो भी एग्ज़ाम फीस होती है, बाकी सी एस सी अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सी एस सी आई डी के लिए अप्लाई कर सकते हो और घर बैठे हुए अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अगर कोई डाउट है या फिर आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।